फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और देश के बड़े लीडर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने अभी हाल ही के बयान में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में से 370 आर्टिकल को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत हिंसा होगी और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। ये बेहद एक विवादित बयान उन्होंने दिया और उसके बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस विवाद की बेहद भर्त्सना हुई। लेकिन सबसे अच्छा रिमार्क जो इस विवाद पे आया है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। सुने नरेंद्र मोदी साहब ने फारूक अब्दुल्ला के लिए क्या कहा। भारत की सेकुलरिज्म के पर चर्चा अगर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आज और गंभीरता से बात करना चाहता हूं। भारत का सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि संविधान के अंदर वो शब्द जोड़ दिया गया है। भारत हजारों साल से सर्वपंथ संभव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलॉसफी कहती है एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। भारत ही एक देश है जो कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत कभी ये नहीं कहता हिंदू सुखेन सुखी है, ऐसा नहीं कहता है। भारत सबके लिए सोचने वाला देश है और भारत का हजारों साल का इतिहास देखिए, हिंदुस्तान ने कभी तलवार लेकर के कभी दुनिया के विचार पर, संप्रदाय पर, समाज पे हमला नहीं बोला है। विस्तारवाद ये भारत के ब्लड में नहीं है। उस भारत को बिन सांप्रदायिक सिखाने की कोशिशें न हमें करनी चाहिए न किसी और ने करनी चाहिए। जो लोग भारत की बिन सांप्रदायिकता के नाम पर कल बयानबाजी की है, मैं उन फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम सर्वसमावेशक हैं। ये देश ऐसा है जो प्रकृति की भी पूजा करता है, पेड़ की भी पूजा करता है, पानी की भी पूजा करता है। यहाँ कोई पराया हो ही नहीं सकता, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, ये समाज है। और उस समाज में अगर इस प्रकार की भाषा बोली जाए, कभी कभार कोई घटना घटे, किसी का बयान आ जाए, क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इतना रद्दी है क्या कि कोई एक बयान दे तो खराब हो जाएगा। और इसलिए फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया, जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। और इसलिए आप कोई बयान करने वालों को, मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो, पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। कश्मीर ये सूफी परंपरा की धरती है, कश्मीर ये सर्वसमावेश की धरती थी, उसको ये दाग लगाने का काम आपने किया है। आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयानबाजी। और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए, जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो, आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं, उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा है वो भारत के हजारों साल की महान सांस्कृतिक विरासत को आए दिन चोट पहुंचाते रहे, ये शोभा नहीं देता है हमको। हम आज भी
हमारे संस्कारों के कारण, हमारे ब्लड के कारण, राजनीति के कारण नहीं, राष्ट्रभक्ति के कारण कहते हैं भारत सर्वपंथ समभाव का मार्ग ही भारत के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास, और हम उसी मंत्र पर चलेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे कितने ही लोग अनाप शनाप बातें करें, इससे गाड़ी डिरेल होने वाली नहीं है। देश उच्च मूल्यों पर चला है, जय जगत का मंत्र लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य चला है, कुरुमंतो विश्व मार्यम का मंत्र लेकर चला है, उससे कभी डिगने वाला नहीं है।